खरगोन जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। इसका पता तब चला जब मौके पर मीडिया पहुंचा और उत्खनन कारोबारियों को मौके से फरार होते देखा गया। खरगोन जिले के ग्राम पेनपुर में कारोबारी अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से कर रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मीडिया को दी। मीडिया कर्मियों के पहुंचते ही खनन माफियाओं ने मौके से फरार हो गए। इस दौरान कारोबार में लिप्त राजस्थानी लोगों का हवाला देकर ग्रामीणों ने बताया कि यह लोग भी बिना रॉयल्टी धड़ल्ले से नदी पर खनन कर रहे हैं, जो राजस्व विभाग को लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हुआ नहीं है यहाँ का, ना तो यहाँ पे कोई आया है, ना माइनिंग वाली मैडम आई है, ना तो कोई गवर्नमेंट से कोई एसपी कलेक्टर कोई भी नहीं आया है। जो अपने शाहपुरा में जो रॉयल्टी हुई थी वहाँ पे पूरा स्टाफ आया था, ठेकेदार भी आया था, एसपी साहब भी गए थे, माइनिंग की गाड़ी भी गई थी, मैडम भी गए थे, उन्होंने बताया यहाँ की रॉयल्टी हो चुकी है। पर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ पे राजस्थान से 3 बंदे आए हुए थे, वो अवैध वसूली कर रहे थे, वाहनों को रोक रहे थे, बोल रहे थे कि यहीं इसका यहीं भंडारण होगा, ये रेत आप आगे नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे ना तो सीमांकन हुई है, ना तार वार कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, और आगे उनकी दादागिरी चला रहे हैं, उनकी मनमानी है, चल रही है बस, जो भी बात है। अभी वो लोग दिख नहीं रहे कहाँ हैं, वो आपको देख के चले गए, वो प्रेस वालों को देख के चले जाते हैं। क्या नाम है? लीगल रहते हैं तो आपके सामने आते हैं, आपको फेस करते वो कि भैया हम ठेकेदार के आदमी हैं और ये ठेका हुआ है और हम यहाँ आए हुए हैं, ना तो ठेकेदार के नाम बताते हैं। हमने पूछा तो हमको देख के भाग गए वो। रॉयल्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 10 तारीख बाद रॉयल्टी देंगे, ऐसा हम बहुत रोज से सुनते आ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है विजय। पर शासन ने जो अभी रॉयल्टियाँ की पूरे ज़िले के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि खरगोन ज़िले में 32 खदानें जो हैं वो सरकार ने खनिज के लिए खनन के लिए रॉयल्टी की हुई है खनन के हिसाब से। पर यहाँ पर खनिज विभाग में पोर्टल पर अगर रॉयल्टी का अगर मतलब खदान देखते हैं हम, तो खदानें वहाँ पर 3 नीलाम हुई है, और जिनमें से अभी एक ही खदान मांगरूल की जो बताई गई है वो उसकी रॉयल्टी आ रखी है। और ठेकेदार के जो व्यक्ति हैं उन लोगों ने इसकी आड़ में जो खदानों की अभी तक ना तो कोई नक्ति हो रखी है, ना ही उनका अभी तक सीमांकन हुआ है, और किसी प्रकार से कोई शासकीय कार्य उनके अंदर नहीं हुए हैं, और उन लोगों ने उनकी खुदाई चालू कर दी गई है। अवैध खुदाई कर ये लोग उसमें से रेत निकाल कर और उसका पैसा कमा रहे हैं। सरकार को राजस्व की पूरी हानि हो रही है, और सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम राकेश। कहाँ रहते हैं? पेनपुर। ये आ रहे हैं कंपनी के लोग, इनके बोल रहे कि यहाँ का भी ये हो गया फलाना हो गया, तो बोले कि आप गांव में भी नहीं डाल सकते हो रेत। हमने बोला ऐसा क्यों सर? आपके पे ट्रैक्टर चल रहे? हाँ सर, मेरा एक ट्रैक्टर चलता है, और वो भी डालने के लिए यहाँ गांव में डालने के लिए, किसी को भी ज़रूरत लगती है रेत की तो डालने के लिए होता है। क्या नाम होता? मेरा नाम शुभम राठौर। ये लोग आके रॉयल्टी मांग रहे हैं हमारे से कि गांव में भी रॉयल्टी लगेगी। कौन मांग रहा है रॉयल्टी? ये राजस्थानी कुछ लोग आ रहे हैं, इनके टीम के बाहर से आ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर रॉयल्टी लगेगी। गांव में भी हम मजदूरों की कहाँ से क्या चला है, इनका कहाँ से भरण पोषण करें, कुछ भी गांव में भी डालने के लिए मतलब ये बोल रहे हैं कि गांव में भी नहीं डाल सकते आप। ये खदान नहीं, अभी नहीं खदान की सिक्कत हुई है? नहीं, कहीं से कहीं नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ कब से चल रहा है अवैध खनन का मामला? अवैध खनन का मामला तो यूँ तो सर ऐसा कहीं नहीं है, पर ये आज लोग जैसे गांव में भी आके यहाँ पर अभी किसी प्रकार के शासकीय अधिकारी वगैरह कोई नहीं आए। ये रॉयल्टी किस नाम से दी जा रही? इसका भी ठेकेदार का कोई आगे कंस्ट्रक्शन का नाम बताते हैं, बाकी अभी तक इसका खुल के भी किसी का पता नहीं है, क्योंकि किसी गाइडलाइन किसी के पास भी नहीं है। मतलब ये अवैध रेत उत्खनन कब से हो रहा है? अवैध रेत उत्खनन तो काफ़ी समय से हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? यह तो गांव मजदूर लोग रहते हैं, जिनकी मजदूरी के लिए बेचारे पास काम तो कुछ नहीं है। शासन ने उन्हें रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार तो दे ना सके, मजदूरी कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग मजदूरी के लिए जाएंगे कहाँ? गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, इसके अलावा जाएंगे कहीं नहीं। और वहाँ पर कोरोना की वजह से इन्हें घर आना पड़ा, घर आने की वजह से करेंगे क्या? भुखमरी है, खाने पीने की हालत इनकी बहुत ख़राब है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि गरीब लोगों का भी काम चलता रहे, मजदूरी मिलती रहे, और शासन इनके ओर भी ध्यान दे। इनके छोटे छोटे बच्चे इनको लेकर ये कहाँ जाएंगे? ये अभी राजस्थान वाले थे, भाग निकले, कौन लोग हैं ये पहचान? ये बाहर के लोग हैं, राजस्थान तरफ से आए हैं ये लोग, आकर यहाँ पर जो है अवैध वसूली
के नाम से जो है पैसा ले रहे हैं। अभी ठीक है यहाँ पर कैसे ले रहे हैं पैसा ये? ये यहाँ पर जो भी बेचारा कोई व्यक्ति आता है जिसको ज़रूरत है रेत के, वो आता है अपनी रॉयल्टी के हिसाब से कि यार रॉयल्टी हो जाए तो हमें हमारी रेत मिल जाए, हम हमारा घर बना लें, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अभी कहाँ भाग गए ये लोग? ये इधर जंगल में भाग गए। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ रहते हो? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।